नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 52 वर्ष के सवाल थे। पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही है, 6 महीने से जॉब नहीं है। जॉब कब तक लगेगी और क्या मुझे इनके हाथ में दिख रहा है आगे ने बताया कि कोई दिक्कत परेशानी आए तो बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कौन से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके हाथ में देखें तो ये इनके हाथ की जीवन रेखा है। आप अभी 52 वर्ष की एज में हैं तो मुझे जीवन रेखा में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। जीवन रेखा यहाँ से निकली और अंत तक जा रही है, तो जीवन बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। आप अपने पूरे जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित रहेंगे, इस तरह के योग भी दिखते हैं। और बड़ी परेशानी आपके हाथ में जीवन रेखा पर मुझे नहीं दिखती है। तो समझ सकते हैं कि जीवन रेखा आपके हाथ में काफी बढ़िया अवस्था में दिखती है। बड़ी परेशानी अगर आपको है तो उसके रिगार्डिंग आपको उपाय दिए जाएंगे। उपाय डेली करने पर, लगातार करने पर आपको राहत की सांस जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। फिर आपको कोई समस्या अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। तो वो कार्य जरूर से जरूर कीजिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा अपने जीवन में। इसके अलावा यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो देखिए, आपकी तीनों मेजर रेखाओं में एक चीज तो मैं देख पाता हूँ कि तीनों रेखा डार्क बहुत है। यहाँ से डार्कनेस दिखती है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। देखिए, मस्तिष्क रेखा जितनी पतली होनी चाहिए उतना लाभ मिलता है, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा देखें जहां से डार्क दिखती है। जीवन रेखा भी यहाँ से डार्क है और हृदय रेखा में भी कोई अच्छी अवस्था नहीं दिखती है। समझ सकते हैं कि हाथ की जो तीनों मेजर रेखाएं उनमें समस्या साफ साफ दिखती है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा ठीक दिखती है। मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डार्कनेस है। तो कहीं ना कहीं ये रेखा आपकी, तीनों रेखा डार्क है तो ये रेखा आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस देंगी। ऐसे तरीके की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहती है, किसी न किसी रूप में रहे, कैसे भी रहे, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, पारिवारिक समस्याएं, जीवन साथी समस्याएं, चाहे मित्र रिश्तेदारों से आए, भाई बहनों से संतान से आए, बट पारिवारिक समस्याएं या पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस करियर को लेकर भी होता ही होता है। और ये पूरे ओवरऑल जीवन में दिखती है। जो तीनों रेखाएं जीवन रेखा अंत में आकर सुधरती है। मस्तिष्क रेखा देखें यहाँ पर अगर पतली हो गई है, हृदय रेखा भी यहाँ पर अगर पतली हो गई है, तो जो बुढ़ापा रहेगा उसमें जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बुढ़ापा आपका अच्छा से और आनंद में रहेगा, उसमें परेशानी नहीं दिखती है आपके हाथ में। मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है। सीधी मस्तिष्क रेखा इस बात को शो करती है कि आपके अंदर बातों को सोचने, सीखने और समझने की क्षमता अच्छी है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा रहता है। हर बात को लॉजिक के साथ समझने की क्षमता भी अच्छी खासी दिख रही है। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि जैसी मस्तिष्क की रेखा है आपको समस्या कम आएंगी। आपका आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़िया है, एजुकेशन आपको ठीक ठाक मिली हुई है और ऐसे व्यक्ति की डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत देखी अच्छी देखी जाती हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कंसिस्टेंसी से काम करें तो धन धन अर्जित करने में समस्या नहीं आती है। तो ये योग भी यहाँ पर देखते हैं आपके हाथ में। बाकी ये रेखा आप देख पा रहे हैं सीधी साधी मंगल तक पहुँची है। आपकी मस्तिष्क रेखा का मिलान मंगल से हुआ है। जब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए साफ साफ कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपना भाग्योदय, अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत के दम पर करने वाले होते हैं। और इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी जाता है कि मंगल से मिलान जब होता है तो व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव नेचर पाया जाता है और अपने जीवन में समस्याओं में पड़ता जरूर है, गुस्से की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, एग्रेसिव नेचर की वजह से। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं और समझ सकते हैं कि जल्दबाजी में जब निर्णय लेंगे आपको नुकसान होगा, थोड़ा बहुत गुस्सा आता आपको आता होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड आप दिखते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा की वजह से धीरज की कमी हो जाती है कभी कभी, जब भी धैर्य ना रखकर कोई भी कार्य करते हैं उसमें नुकसान देखने को मिलते हैं। यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देख यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा आपके हाथ में इस प्रकार चली और ये यहाँ पर कहाँ देखती है, बृहस्पति की ओर। लोगों का काम करने से, लोगों के काम आने से, जरूरतमंदों के काम आने से आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया ये रेखा देने वाली रहेगी। उसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी आपके जीवन में। जितना आप लोगों के काम आएंगे उतना आपका भाग्योदय इस रेखा की वजह से होने वाला रहेगा। ये रेखा आपके समझदार, यहाँ पर देखें तो धनुषा का रेखा बन रही है। ये रेखा आपके समझदारी वाले व्यक्तित्व को दिखाते हैं, समझदार होता है और समझदारी से निर्णय लेना जानते हैं। जीवन में जल्दबाजी में आकर ऐसे व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेते। यदि आपके हाथ में पाएंगे तो आपकी भाग्य रेखा भी कमजोर है। क्यों, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेखा बहुत बढ़िया अवस्था में, बहुत बड़ी जा रही है, कोई दिक्कत इनमें नहीं दिखती है, लेकिन भाग्य रेखा को यहाँ से निकलना चाहिए था जैसे कि बाकी तीन रेखाएं भी दिखती हैं, लेकिन आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा यहाँ से ना निकल कर एक तो जीवन रेखा में से निकली है, वो भी पूरी नहीं है, वो भी शनि तक यानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची है, ये भी
बीच में ही रुक चुकी है। देखिए, बुढ़ापे के अंदर भाग्य रेखा का ना होना, इस उम्र के बाद भाग्य रेखा थी ही नहीं। अब देखेंगे कि भाग्य रेखा यहीं तक है। बुढ़ापा जो है, जो कि ये सब दिखाता है, यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है। तो देखिए, भाग्य रेखा ना हो तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी फाइनेंशियल इश्यूज चलते ही रहेंगे। भाग्य रेखा जब नहीं होती है तो कहीं ना कहीं पुण्य कर्मों के कम होने को दर्शाते हैं। व्यक्ति के पुण्य कर्म कम होते हैं उसके लिए आपको उपाय दे दी जाएंगे। अगर आप जानवरों की लगातार सेवा करते हैं, लोगों के काम आते हैं, जरूरतमंदों के काम आते हैं, सबसे बढ़िया देखिए, विश्व में जितने भी बड़े दान माने गए हैं उनमें सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और वस्त्र दान। तो अन्नदान और वस्त्र दान लगातार कीजिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह के कार्य करने से भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है। आप देखेंगे कि अगर आप मेरे दिए उपाय कुछ समय तक करते रहते हैं, कम से कम 3 से 4 वर्ष के अंदर लगातार करते रहते हैं, तो पाएंगे कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ से पनपनी स्टार्ट हो जाएगी, आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इस प्रकार धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें रहेंगी। भाग्य रेखा मजबूत नहीं तो उसको मजबूत करने के उपाय करने चाहिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखेंगे तो पर्वत मुझे सारे बढ़िया दिखते हैं, शुक्र पर कोई पारिवारिक समस्या नहीं दिखती है, मंगल अंदरूनी मंगल पर भी दिक्कत है, तो एग्रेशन या जल्दबाजी, तो ये मंगल पर जल्दबाजी में आना या जल्द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स की समस्या रहती है, तो इसके आपको उपाय दिए जाएंगे। बृहस्पति पर बहुत अच्छी रेखा है, ये रेखा से व्यक्ति का ध्यान गुप्त विद्याओं में जाता है, जैसे कि टैरोट, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कहीं भी व्यक्ति का ध्यान जरूर जाता है, और गुप्त विद्याओं में करियर बनाने के योग ये रेखा दिखाती है। सूर्य पर एक सूर्य रेखा है, ये फोर्क बना रही है, यानी सफलता मिलेगी जीवन में, कितना भी संघर्ष स्ट्रगल समस्या में पड़ जाए बट सक्सेस हो जाएंगे। बुध पर भी 3 4 रेखा है। देखिए, मेरे को लगता है कि आपको कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी जाना चाहिए। जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप कमन करें कभी व्यापार की तरफ जाने के लिए तो व्यापार की तरफ रुख जरूर कीजिएगा, उसमें आपको लाभ जरूर मिलेंगे देखने को। हृदय रेखा यहाँ पर ठीक है, तो बड़ी हेल्थ इश्यूज ये रेखा नहीं देने वाली रहेगी। मंगल अच्छे हैं, चंद्र हल्के से दबे हुए हैं। देखिए, चंद्र देवता मन की शांति, इंटरनल सोल को जो शांति देखी जाती है यहाँ से देखी जाती है, और विचारधारा कैसी है, शुद्ध है नहीं है, गंदे विचार, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स आते नहीं आते, स्त्री जाति का संबंध कैसे रहेंगे, चिंताएं रहेंगी नहीं रहेंगी, मन शांत रहेगा नहीं रहेगा, ये जल से संबंध क्या होते हैं, यहाँ से सारी चीजें देखी जाती हैं। विचारधारा में दिक्कत या नेगेटिव थॉट्स आना, कॉन्सेंट्रेशन ना बैठना, मन भटकते रहना और समस्याओं में पड़ते रहना, और कोई चिंता ना होते हुए कभी कभी चिंताएं कर लेना, इस तरह के योग रेखा दिखाती है। इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दिए जाएंगे, वो उपाय डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखते हैं तो रेखा ठीक दिखती है मुझे आपके हाथ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अंगूठे पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आड़ी रेखा, ये आपका लॉजिक सेंस, आपकी तर्क शक्ति, अपनी बात को सही समय पर सही लोगों के सामने रखने की जो क्षमता होती है वो इस रेखा की वजह बहुत अच्छी मिलती है। उंगलियों पर अगर आते हैं तो फेलेंजेस बंद हैं। देखिए, अगर बड़ा पैसा बनता है तो उसमें बड़ा पैसा सेव भी होगा, सेविंग्स ठीक ठाक रहेंगी, सेविंग्स आपको लाभ जरूर देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। जब पैसा बचाने की सोचेंगे, पैसा बचाने में सक्षम रहेंगे, तो इस तरह के भी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी अगर देखेंगे तो सूर्य की उंगली छोटी है, तो ये जो सूर्य की उंगली छोटी होती है तो स्थिति के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, व्यक्ति ईगोस्टिक होता है, ईगो से व्यक्ति को नुकसान बहुत देखने को मिलते हैं, तो ईगोस्टिक आपका नेचर दिखता है। और कहीं ना कहीं इस रेखा की वजह से आप ये भी समझ सकते हैं कि जब जब आपके रिश्ते बिगड़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपकी ईगो भी रहेगी, और ऐसे व्यक्ति का नेचर जिम्मेदारी बड़ा होता है, व्यक्ति जिम्मेदारी बहुत अच्छी निभा पाते हैं। बाकी मुझे गुरु की उंगली बड़ी दिख रही है, धार्मिक नेचर रहेगा, धर्म के प्रति धर्म भावना भी अच्छी खासी रहेगी। पिंकी फिंगर जरूर छोटी पड़ गई है, ये जब पिंकी फिंगर छोटी पड़ जाए समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छे मनी सेवर, एक अच्छे अच्छा पैसे का मैनेजमेंट, अच्छा टाइम का मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल रखना, याद शक्ति, इन सब चीज़ों में कमजोर पड़ते हैं। तो इस चीज़ की आपको रेमेडीज क्या रहती हैं कि गणेश जी का पूजा पाठ और किन्नरों का आशीर्वाद समय समय पर लेना, ये इससे लाभ जरूर मिलता है। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है, आपके पाम के लिए दे दी कि भाग्य रेखा रुक चुकी है, बुढ़ापे भाग्य रेखा है नहीं, तो फाइनेंशियल जरूर चलेंगे आपको। इसके अलावा तीनों रेखाओं में गड़बड़ है, ये पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस जरूर देंगे। आपके वाइफ के सवाल देखिए, आपकी वाइफ की जॉब कब लेगी, देखिए वो तो मैं उनका देख के बता पाऊंगा, उनका भेज दीजिएगा, मैं आपको देख कर बता दूंगा। अभी आपके हाथ में मुझे शायद समझ सकते हैं कि बड़े फाइनेंशियल इश्यूज, अभी बड़ी समस्या दिखती है क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है, बट इतना आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे ऊपर डेली डेली 3 वर्ष भी कर लिए तो भाग्योदय पूरी तरह से हो जाएगा, रेखा पूरी तरह से बदल जाएंगी, समस्या है तो बिल्कुल नहीं आएगी, टाइम लगेगा बट हाँ उपाय इफेक्टिव है, उपाय से काम
राहत जरूर मिलती है, तो उपाय जरूर ले लीजिएगा मुझसे। अपना डाउट छोड़ दीजिएगा कि आपको कोई डाउट कोई सवाल पूछना गया हो जो नहीं बता पाए, मुझसे पूछ लीजिएगा। सारे डाउट सॉरी को डिसॉल्व कर देंगे, आपको एडवेंस सेटिफाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको दूर रहेगा सब बता दीजिएगा। तो अपने डाउट अपने क्वारी अपना रिव्यू अपना उपाय से ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। मतलब चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।